ये रात या आकाश के समंदर अच्छी तरह से देख लो शमशेर, महीने भर के लिए अपने शहर जा रहे हैं, क्या भरोसा इस उम्र में तुम लौट के वापस भी आ पाओ या नहीं। शट अप, हम दोनों तो आ जाएंगे, अपना सोचो तुम मनीष साला। अरे अख्तर, वो रेल के तीनों टिकट मुरली को तो नहीं दे दिए? नहीं, वो मेरे पास है। हाँ, अपने पास रखना, ये तो गुमी कर देगा। यार शमशेर, तुम्हारी ये कार भी तुम्हारी तरह एकदम खटारा हो गई, इसे भी अपनी तरह रिटायर क्यों नहीं कर देते? खैर मेरा क्या है, मुझे कौन सा धक्का लगाना पड़ रहा है। सीधी तरह से धक्का लगाओ गाड़ी को, ये ख्याल पहले नहीं आया था? मेरी गाड़ी में बैठा क्यों था? मैं नहीं लगाऊंगा धक्का वक्का। हाँ, मैंने पहले कह दिया था टैक्सी में चलो टिकट लेने के लिए। हाँ यार, वैसा वैसी फिर से मत शुरू कर दो। तो फिर कहो इसे धक्का लगाने के लिए मेरी गाड़ी में बैठा ही क्यों था? इडियट, टैक्सी लेकर खुद गया था अपना टिकट। तो क्या काम तीनों का नहीं है? आखिर तीनों राजनगर क्या नहीं जा रहे हैं? गाड़ी को करो लॉक, अब यहां से चलते हैं। मैं राजू को भिजवा दूंगा मैकेनिक के साथ, गाड़ी वहां पहुंच जाएगी कल सुबह। अब टैक्सी पकड़ते हैं और घर चलते हैं, आखिर इतनी रात हो गई है। मुझे तुम्हारी आदत कभी पसंद नहीं आई, हमेशा काम से करता। देखो मुझे लेक्चर देना शुरू मत करो तुम। अब यहां फिर शुरू हो गए आप लोग। आई लव इंडिया वेरी मच, समझे? तुमने गिलास क्यों तोड़ा? हिम्मत कैसे हुई साले तुम्हारी ये कहने की कि मैंने इस कंट्री के लिए कुछ नहीं किया? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों तोड़ा तुमने ये गिलास? देखो बात बदलने की कोशिश मत करो तुम, गिलास विलास तो टूटते ही रहते हैं जब लोग पी के इससे बहस करते हैं, लेकिन मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि इस जिंदगी में ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो मुझे इस तरह बेइज्जत करता रहता है? अरे इसने क्या उखाड़ लिया है जिंदगी में? अगर देखा जाए तो बहुत कुछ। अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आया, अमीर घराने में शादी की, बच्चे पाले, कुत्ते पाले, मोटी तनख्वाह की नौकरी की बड़ी कंपनी में, इससे ज्यादा वेल प्लान जिंदगी और क्या हो सकता? तो इंसान को अपनी जिंदगी प्लान तो करनी पड़ती है, बिना प्लानिंग के कोई कहीं पहुंचता है क्या? जैसे ये वहीं के वहीं हैं, जिंदगी भर हराम की। देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ बोलो 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 ना। अरे तेरी बीवी ने तो मुरली, नहीं बोलने दो, क्या बोलेगा? मुझसे उधार लेके जीता रहा जिंदगी भर, मुंह लड़ाता है। मेरे बाप ने तेरे बाप को नौकरी पर लगाया, तुझे पाला पोसा पढ़ाया, तुझे आदमी बनाया था। तमसे ये क्या तमाशा है? आखिर किया क्या इन्होंने जिंदगी भर, चाहे लाखों के सपने देखने के, उनमें से एक का भी हुआ कुछ? कभी एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके? शादी तक नहीं हुई इसकी, करेगा भी कौन? हाँ नहीं की मैंने शादी, कम से कम मेरी बीवी ने दसवें माले से कूदकर खुदकुशी तो नहीं की? हाँ नहीं है मेरी औलाद, कम से कम मेरा ऐसा बेटा तो नहीं जो बाप को खत तक न लिखा। बस बहुत हो चुका, आइंदा से मेरे घर में शराब पीना बंद। आप लोग जब भी पीते हैं लड़ाई झगड़े घटियापन पे होता है। तुम बीच में मत बोलो, बड़े सुप्रिय बनते हैं साले, जिंदगी भर तो बीवी के पेटीकोट में घुसे रहे, सुबह हुई तो दूध लाओ, शाम हुई तो सब्जी लाओ। बड़े प्रोफेसर बनते हो, सोचते हो स्कूल मास्टरी करके तुमने बहुत कमाल कर दिया। तुमने पढ़ाया क्या? वही गोबर जो तुम्हारे सर में भरा पड़ा है। हाँ तो ठीक कर रहे हो। मैंने भी जिंदगी में आखिर क्या किया है? आगे देखने के लिए कुछ बचा नहीं, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कुछ हासिल नजर नहीं आता, डर लगता। डरपोक तो हम लोग अव्वल दर्जे के हैं ही। क्यों पुरानी बात मत करो अख्तर? हाँ पुरानी बात मत करो, सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। झूठ मत बोलो मुरली, हम तीनों जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। पहले तुम भागे थे शमशेर, झूठ मत बोलो, पहले तुम भागे थे। बकवास मत करो तुम, तुम बकवास मत करो। शमशेर तुम चुप करते हो? तुम एक लज भी आगे बोले तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम चुप भी करते हो?
तुम घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम इसे देखो, मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा। जल्दी जल्दी करो। हेलो, तुम फिर करो। हेलो गांधी हॉस्पिटल, क्या हेलो गांधी हॉस्पिटल, हेलो अक्सर कैसा लगा? हमें इतनी देर क्यों लगा रहा है भाई? अरे भाई गाड़ी जल्दी चलाओ। Outside, please. Amal. जरा लंबी सांस लीजिए, जरा गया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुमने किया एक सारे गिलास के लिए? क्या मैंने? हाँ, उस टूटे हुए गिलास के लिए हल्ला किसने मचाया? तुमने या मैंने? अरे, उसे दुनिया भर की भैंसें कौन लड़ा रहा था, तुम या मैं? अब आप अंदर जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई कुछ गड़बड़ है और डॉक्टर साहब बता नहीं रहे? अरे भाई बोला ना, नथिंग रॉन्ग। इतनी उम्र में इतना दारू पिएंगे तो क्या होएगा? जाओ जाओ घर जाओ, दवाई खाओ और सो जाओ। कुछ नहीं यार, कह रहे थे कि डॉक्टर साहब के ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया, उसके वजह से चक्कर आ गया। मेरे समझ में कुछ नहीं है। काम खास 100 रुपए खर्च करवा दिए, घर चल के वसूल कर लूंगा। पूरी रात खराब कर दिया। लो आप चलो। अच्छा नमस्ते यार, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे वाकई कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस मैं गया। अरे यार तुम चले क्यों नहीं जाते? तुमने तो परेशान करके रख दिया। अख्तर, अख्तर, अम्मा यार क्या ये सुबह सुबह जवाब रख दिया है? कोई तरीका है ऐसी की तैसी? आप शुक्र है, तुमने तो डरा ही दिया था। अच्छा हमें कल जाना है, कम से कम मुझे तो कुछ खरीदारी करनी है, तो आप चलेंगे? हाँ जाना तो है ही। तो उठो, हम पीछे। यार सुनो, राजनगर में किसी त्रिवेदी साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है, 100 वर्कर मारे गए हैं। अगर आप भी तैयार हो जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरी समझ में नहीं आता शमशेर, तुम हमेशा मुझे ही क्यों डांटते रहते हो? लो चाय पियो, मैं नाश्ता भी कर चुका हूँ। अरे पेन 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 पेन, हाँ
ये जरा ये बैग दिखाइए। क्या कीमत है? 300 रुपया। है 300 रुपया? अरे बाबा इतना महंगा? 300 रुपया है। पहले खरीदा था कभी बैग आपने? हाँ हाँ खरीदा था, लेकिन आज तुमसे नहीं खरीदूंगा। जा बाबा जा, एहसान कर रहे हो क्या मुझ पे? आए 3-10 बोली। मिनिकम 10 गोली, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 100 गोली की एक शीशी दे दीजिए, और नींद की गोली प्लैटिनम। एड्रेस आपने काहे को नहीं लिखा? लिखा तो है, अवधेश प्रताप सिंह, एसपी सिटी राजनगर, इतना काफी है। पक्का? पक्का। भतीजा किसका है? यह बम्बई। सलमान साहब। बाबा मेरे को ना चॉकलेट। हाँ सामान खरीदूंगा खरीदूंगा। अरे जोशी साहब यही ठहरे हुए हो? बेग साहब क्या? हाँ वो आज रात हम तीनों यही ठहरेंगे। वो हम जा रहे हैं ना कल, वो अपने घर राजनगर, हमारे वहाँ वो यूनिवर्सिटी का सेंटिनरी सेलिब्रेशन, वहीं जा रहे हैं। सलमान साहब कहो भाई बहादुर, क्या ठाट है तुम्हारे? हेलो 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 साहब बिटिया, अच्छी तरह तो हो ना? अनवर का क्या हाल है? हाँ हाँ दो 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 अनवर। हेलो जीते रहो अमा, मुझे क्या होना है, है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, है? अरे मुरली शमशेर दोनों यहाँ आए। हाँ भाई अच्छी तरह गुजर रही है, मजे में दिन कट रहे हैं, झगड़ो पगड़ो सब कुछ कभी है। अरे तुम अपना ख्याल रखो, ये जरूरी है। हाँ हाँ दो शहर को दो शहर बिटिया। बच्चे प्रिय नरेश, बहुत दिनों से तुम्हें लिखा नहीं, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। गलती शायद मेरी ही है। तुम्हें ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं बंबई से बाहर जा रहा हूँ। बहुत दिनों से राजनगर जाने को जी कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली भी है, सो उसमें भी शामिल हो जाएंगे। 40 साल बाद जा रहा हूं, इसलिए जाहिर है खुश हूं। खैर मेरी खुशी से तुम्हें कभी मतलब नहीं रहा। खत तुम्हें यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि राजनगर में मैं अपने दोस्त अख्तर के यहां रहूंगा। उसका एक घर है वहां जो काफी दिनों से बंद पड़ा है। तुम्हारे चचेरे भाई अवधेश को लिख दिया है कि उसे खुलवा कर सफाई वगैरह करवा दे। ये तो तुम्हें पता ही है कि अवधेश आजकल वहां एसपी है। तुम्हारी तरह वो भी व्यस्त रहता है, पर मेरे लिए कुछ वक्त निकाल लेता है। पर जैसा मैंने कहा, तुम तो व्यस्त हो। कभी किसी को बुरा नहीं लगेगा, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, कोई रोने वाला नहीं है, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। 40 साल बाद जा रहा हूं मैं, 40 साल बाद। भाई चुप कर, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो चला जा रहा है। क्यों चुप हो जाऊं? नहीं होता, 40 साल बाद वापस जा रहा हूं, 40 साल बाद। जाने वाली 16/4/3 से 11:20 से छूटने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैंने कहा ना आप अगली स्टेशन पे उतर जाइए, मेरे पास कोई सीट खाली नहीं है। देखिए भाई साहब मेरे पास एक टिकट है, जरा रिजर्वेशन कर दीजिए। आप अगले स्टेशन पे उतर जाइए, सीट खाली नहीं है। भाई साहब मुझे जाना बहुत जरूरी है, थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। हो जाए बाजी, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप इन्हें एक सीट दे क्यों नहीं देते? अरे सीट होगी तभी तो देंगे। वाह है कैसे नहीं,
हमारे कैबिन में एक सीट खाली है भाई। हाँ देखिए इनके कैबिन में एक सीट खाली है, वो ही दे दीजिए। बेटे तुम इसकी चिंता मत करो, पहले टीटी साहब को हम कुछ देंगे, तभी तो बदले में टीटी साहब हमें सीट देंगे। हैं देखो ये कुछ देने देना है, हो जाएगा। अच्छा बैठिए आप, कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू अंकल, कितने में समझाया इनको? उसकी तुम चिंता मत करो, लेकिन ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो? राजनगर। तुम बुरा तो नहीं मानती हो इसका? बस बिल्कुल तरह से ले रहा, जस्ट ए स्मॉल पैक है। नॉट एट ऑल, प्लीज गो अहेड। बेटी तुमने अपना नाम नहीं बताया। सविता शेरगिल। हाँ तो सविता तुम करती क्या हो? नहीं नहीं मेरा मतलब है अगर बताना चाहो तो। क्यों नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, राजनगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ। पहले कभी गई हो राजनगर? नहीं पहली बार जा रही हूँ वहाँ। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे वहाँ आ जाना, मेरा एक अदर घर है वहाँ। अच्छा आप लोग भी राजनगर के रहने वाले हैं? यूं कहिए कि रहने वाले थे। हम तीनों साथ ही पड़े हुए हैं। अच्छा कब की बात है ये? बहुत पहले बिटिया, 1942 में। तुम पैदा भी नहीं हुई। हाँ वैसे भी बड़ा एक्साइटिंग जमाना रहा होगा। नहीं एक्साइटिंग तो क्या, बड़ा मुश्किल जमाना था। एक्साइटिंग तो अब लगता हुआ शायद। था कैसे नहीं, बड़ा एक्साइटिंग जमाना था। अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी। आप लोग भी उस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे? बिल्कुल इन्वॉल्व थे। हम अंग्रेजों को हमने पीटा, हमने चौकियां जलाई। मुरली। अच्छा अंकल एक बात बताइए कि तब से अब तक तो यूनिवर्सिटी में काफी फर्क आ गया होगा ना? पता नहीं। नहीं मेरा मतलब आप लोग तो वहां जाते रहते होंगे। नहीं जब से यूनिवर्सिटी से निकले हैं वापस नहीं गए। क्यों? बस यूं ही। वेलकम चाचा जी, वेलकम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हैं चाचा जी आप? तुम बताओ यहाँ सब कैसा है? बस चल रहा है। मुरली। अवधेश। ये है मेरे दोस्त जोशी। कैसे हो बेटे? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। और ये है अभिषेक साहब। हेलो, एम आई राइट? चाचा जी आपको मेरा खत नहीं मिला? नहीं क्यों, क्या बात है? कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने लिखा था कि इस वक्त आप ना आते तो अच्छा था। क्यों ना आते? मतलब
क्यों, शहर में काफी गड़बड़ है, कई जगह कर्फ्यू भी है, और जिस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए आप आए हैं वो शायद कैंसिल हो जाए क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफी हंगामा है। थक तेरे की। हम छोड़ो भी, अब आधम के हैं, सेलिब्रेशन हो या न हो अब तो यहाँ कुछ दिन ठहर के ही जाएंगे। क्यों अंकल, थैंक यू वेरी मच एंड बाय। अवधेश, अवधेश प्रताप सिंह, एसपी सिटी, सविता जर्नलिस्ट हैं, बंबई से हमारे साथ आई हैं। एक आध दिन में आपसे मिलने आऊंगी। जरूर, वाई नॉट। क्यों सेन बाबू, पुलिस करप्शन के बारे में कोई नई खबर? मिली तो बहुत है लेकिन छापी नहीं जा सकती, अनप्रिंटेबल। ओ अंकल, ये है चंद्र सेन, यहाँ के मैगजीन दमन के एडिटर हैं। फिलहाल अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा बेटे, मेरा पता तो है ना? हाँ मैंने लिख लिया, भाई दे दिया है। अच्छा बेटे चलो भाई, ख्याल रखना। बाय। अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप, जादव बैग उठाओ, आओ चले लिए आओ। शहर के सारे सिपाही सलाम ठोकने के लिए, ये देखो बड़े हो गए यहाँ से बाहर तक। अरे भाई छोटे शहरों में तो दरोगा भी राजा हो जाता है। और वो तो एसपी है, भतीजा किसका है। ओह कितना फैल गया है शहर, पहले इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी। देखा मुरली क्या कस के ठोका है सलाम। ये सड़क पहले इतनी चौड़ी तो नहीं थी, बहुत सकरी हुआ करती थी जहां तक मुझे याद है। दंगे फसाद की वजह से लोग कम है आज, वरना आम तौर पर तो इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तौबा तौबा, ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। बम्बई हुआ जा रहा है राजनगर भी, और क्या। कहाँ निकला है भाई, ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं है। हाँ सही है वेग साहब, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है। चाचा जी आप ठहरिए, मैं दो मिनट में काम खत्म करके आया। हाँ हाँ बेटे। अच्छा तो यही है त्रिवेणी साहब की फैक्ट्री है। मुरली ये वही त्रिवेदी तो नहीं जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर था और जिसने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में बड़ा पैसा बनाया है इसने उल्टे सीधे तरीके से। यही वो फैक्ट्री है। ओह हेलो अंकल, देख साहब आप लोग यहाँ? अरे वाह, बस ऐसे ही अवधेश को कुछ काम था। पर तुम यहाँ कैसे? ऐसे आते ही काम शुरू कर दिया तुमने। इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। यही वो फैक्ट्री है जहाँ वो मजदूर मारे गए थे। मैं कुछ मजदूरों से मिलना चाहूंगी। अरे आप लोग भी पहुंच गए यहाँ पर? जी हाँ, किसी ना किसी को तो पुलिस का भी पीछा करना ही चाहिए। ओके गुड लक। थैंक यू, वी नीड इट। क्या बात है अवधेश, किस बात की हड़ताल वड़ताल चल रही है यहाँ? कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी यहाँ जलकर, एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मैंने तो सुना था कि उन मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था हड़ताल तोड़ने के लिए। जी नहीं, वो एक्सीडेंट था। चलिए वो देखो, वो निशाद मंजिल है, इसी जगह पर मेरे पिताजी काम किया करते थे। तुम्हारा मतलब है पिया करते थे हैं? वो हमारा पुराना मकान अभी तक है क्या? वो पीला बड़ा मकान, वो क्या हुआ करती थी क्लाइव रोड। हाँ अब वो राणा प्रताप मार्ग हो गई है। अच्छा, और आपका घर होटल में बदल दिया गया है। मैं हरिराम से कहूंगा, वो ले जाएगा आपको एक दिन। हाँ, खाना खाने के बाद मैं वहां जाना चाहूंगा। जरूर जरूर। मुरली भी अपना घर देखना चाहेगा शायद। अरे ये तो बीएम क्लब है। हाँ आप लोग आइए ना, शाम को कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पिताजी मेंबर थे। वो एसपी साहब, याद है आपको एसपी साहब? हाँ हाँ, प्लीज क्रॉस। गाड़ी रोको रोको भाई। क्या हुआ खान? सर यूनिवर्सिटी में फिर से बवाल हो गया है, बोला उंडा है ना लाखा नाहिर, वो मर गया अस्पताल में। लड़के बहुत गुस्से में है, डीआईजी साहब कह रहे हैं कि आपको लेके फौरन वहां पहुंच जाएं। फिर साला बवाल। सॉरी चाचा जी, मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, ड्यूटी एंड ऑल दैट यू नो। कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ, हमारी फिक्र मत करना,
शाम को क्लब में आना मत भूलिएगा। बाय बाय बेटे। इतने टेंशन में भी इसे हमारा ख्याल है। भतीजा किसका है इसमें क्या शक? मुझे तो है भाई। क्या बात है पांडे, हाउ इज द सिचुएशन? सर लड़के लाखन की बॉडी को जुलूस में ले जाना चाहते हैं। हमने सोचा साथ रहें, कहीं बलवा ना हो जाए। इस बात पर लड़के और भड़क रहे हैं। पुलिस 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 पुलिस। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। पुलिस को आपके साथ रहने दीजिए। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है। जब काम पर हत्या होती है तो पुलिस कहाँ होती है? हम पुलिस को बीच में टांग नहीं लगाने देंगे। पुलिस पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ। 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 अब आप ही बताइए वीसी साहब, क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आगे जाके कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे? नहीं। हाँ, मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स इस समय बहुत गर्म है, आप थोड़ी देर पुलिस को हटा लीजिए। आपको इत्मीनान है? वरना इस मॉब को मैं 10 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई खून खराबा हो। मैं और कुछ टीचर्स जनाजे के साथ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है खान, अपने आदमियों को विड्रॉ कर लो। यार अख्तर, ये पंखा तुम्हारे अब्बू के कमरे में रहता था ना? हाँ, यही अच्छी अब्बू की रह गई है। अजीब बात है, मरने से पहले अम्मी जब गांव गई तो इसे यहीं छोड़ गई। किरायेदारों ने भी इसे एंटीक पीस समझ के बाहर नहीं फेंका, अजूबा समझ के यहां लगा दिया। ये एक ग्रुप फोटोग्राफ निकला है कॉलेज के जमाने का ट्रंक से। अरे वाह, ये तो हमारे सेकेंड ईयर का है यार। हैं, ये देखो, ये मैं बैठा हूं और ये रहे तुम। यार तुम तब भी इतने ही बुरे लगते थे। हैं? और ये रहे शमशेर। सर ये उसी टाइम है इसमत। यार अब तो बुढ़ा गई होगी, कैसी लगती होगी? और श्रीकांत, अजीब बात है ना, इस तस्वीर का हर फर्ज या तो मर चुका है और या फिर बस गया मरने वाले।
अरे छोड़ो यार, ये कोई ऐसी सीरियस बात तो है नहीं। शमशेर, ये जीप तुम्हारे भतीजे की जरूर है, लेकिन उसने तुम्हारे नाम पर लिख नहीं दिए। चलो उठो। अरे जल्दी करो यार, ये सारे दिन यहाँ पर तो खड़े रहने वाली है नहीं। चलो। तुम नहीं चलोगे? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठहरूं, बहुत थक गया। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। बताइए ना, कहाँ से आ रहे हम लोग? पुलिस चौकी भूक कर। चौकी भूक डाली? तुम्हारे तो सब लोग वापस आ गए ना? नहीं, एक के पैर में गोली लग गई। अगली बार मैं भी साथ चलूंगा। डिप्टी कमिश्नर को मारने चलोगे? हाँ। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं बस थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा। तकलीफ की क्या बात है, आपका ही घर है, मुझे कहीं जाना है। जी पता नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बोलिए। कल शाम तुम क्लाइव रोड पर अंग्रेजों के खिलाफ जो पर्चियां बांट रहे थे। जी हाँ। जानते हो मुझे किसने कहा? जी नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने। जाने दी दीजिए ना, आगे से नहीं करेगा। कमला तुम चुप रहो, तुम्हारे राज की वजह से इतना बिगड़ गया है कि आज मेरा नाम बदनाम कर रहा है। आपके उस कल से बहुत वक्त है, इसके लिए हमेशा आपने सुशीला की आग घुसे रहती हूँ। कमला को नहीं देखा आप हमेशा माँ से ऐसी ही बात करते हैं। सबके घर में चलती है, हमारे घर में भी तो जरूर समझा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक मकान हुआ करता था ना? मकान? पुराना मटमैला सा, उसके पीछे एक बड़ा सा आंगन भी था। जी नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा मकान नहीं है, किसी और सड़क पर होगा, पता है आपके पास? जी नहीं, यही था, इस रोड को हेस्टिंग रोड कहते हैं ना? जी नहीं, यह तो शास्त्री नगर है, आपको गलत पता उठा लाए। चलो। Sorry, sir. आगे नहीं होगा। You're damn right you won't do it again. Because this is the limit. The absolute bloody limit. Pilfering fun so you can drink yourself silly. You can't look after your own properly. And I know what your son is up to. If you don't look after that brat of yours, you're out. And no more drinking in the office. You drink again in the office and you're out. You're finished, you hear? Let's go. तुम वापस आ गए बेटा? हाँ बाबूजी, मैं वापस आ गया।
चाहे अर्ग का साया हो तुझ पर, भाई का बाजू बहनों का प्यारा, घर का उजाला आँखों का तारा, तो मेरे दिल भर गोदी में मेरी कैसा मगन है, डाली पे जैसे बैठी हो चिड़िया, तो मेरे दिल भर जब तू एलल भी पास करेगा, जज बने कर इंसाफ करेगा। बड़ा होकर क्या बनेगा? एक का चलाऊंगा। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाओगे जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी, सैया के पैया पड़ जाऊंगी, रो रो कहूंगी। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अरे भाई रशीद लाओ ना, मेहमान आने वाले हैं अभी। अच्छा तिवारी जी मिलते। हेलो हेलो, दो बार क्लास लीजिए भाभी जी, आपका क्लास। सो नाइस। कही है एसपी साहब, अभी तक जमे नहीं टेबल पर। हकीकत में मैं इंतजार कर रहा हूँ, कुछ मेहमान आने वाले। अच्छा भाई, बड़ी रंगीनियां हैं आजकल। रोज रोज नए गेस्ट, हमें भी तो मिलवा दिया करो कभी। नहीं ऐसी बात नहीं है, अंकल आए हैं बंबई से। अच्छा, अरे अंकल है तो क्या हुआ, मिलवा दो ना यार। वैसे हाँ। प्रधान वैसे प्रधान साहब जो है ना, आंटी से मिलकर ज्यादा खुश होते हैं। क्यों भाभी जी? ओ, आप तो हर वक्त मजा करते हैं। आइए चाचा जी। कैसे हो बेटे? आइए ठीक हो? चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये है मिस्टर प्रधान। नमस्ते। कलेक्टर मिसेस प्रधान। नमस्ते। नमस्कार। बेग साहब। आदाब। और ये है मेरे इमीडिएट बॉस मिस्टर मिश्रा। दिया जी साहब, कम से कम क्लब में तो वर्दी से बाहर आ जाया करो भाई। वेलकम वेलकम। चलो कोई बैठे। चलिए। थैंक यू। अरे वाह अंकल, आप लोग। वाह वाह वाह। तुम यहाँ कैसे? कल शाम को खाली थी तो चंदन ने कहा चलो क्लब चलते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से। वेल अवधेश जी, त्रिवेदी एंड त्रिवेदी कंपनी के क्या हाल? अफवाह की सारी यूनियनें मिलकर जनरल स्ट्राइक की तैयारी कर रही हैं। ये उन्होंने कल मीटिंग कॉल की और हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद शहर बंद का नारा भी दें। भाई हमें इनसे सख्ती से पेश आना चाहिए। सच तो ये है कि औरों से भी सख्ती से पेश आना चाहिए। मतलब? मतलब ये कि जैसे कि उनका दावा है कि वर्कर्स की मौत सचमुच अगर एक्सीडेंट से ना हुई हो तो। नॉनसेंस, कोई सबूत है? ओ सबूत? कोई नहीं, और शायद कभी हो भी ना पाए। और कैंपस के क्या हाल हैं? वहां की हालत तो और भी खराब है सर। वो लड़का, वो लाखन अहीर था ना, मर गया आज। भाई हम इन बातों में क्यों लझ रहे हैं? टेल वीसी के अपने लड़कों से सख्ती से पेश आए, और अगर वो लड़के शहर के दूसरे मसलों में इंटरफेयर करें तो हमें बताएं, विल हैंडल इट देन। आई एग्री विथ यू। आजकल कैंपस में एक नया नेता पैदा हुआ है, रोहित नाम है उसका। वो लड़कों को भड़का रहा है, कह रहा है कि उसने देखा है कि लाखन का मर्डर किसने किया है। लेकिन इस लड़के रोहित ने किसे देखा लाखन को मारते हुए? उत्तम त्रिवेदी और उसके आदमियों को। ये उत्तम त्रिवेदी, ये कौन है?
धीरे बोलिए, ये बम्बई नहीं, जगत त्रिवेदी का लड़का जिसकी फैक्ट्री में हम लोग गए थे, जेके त्रिवेदी, बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन टाउन, चीफ मिनिस्टर का भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। हाँ, लेकिन उसके बेटे ने खून क्यों किया? कोई मोटिव? लाखन और उसके कुछ दोस्त त्रिवेदी एंड त्रिवेदी कंपनी के वर्कर्स को भड़काने में लगे थे, और तो और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपना आदमी खड़ा कर दिया, जबकि उत्तम त्रिवेदी इस इलेक्शन में खुद प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाह रहा था। आई सी। इतने बड़े बाप का बेटा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? देखिए, आपको नहीं पता है बेग साहब, ये शरीफ आदमियों के लड़के कितना नीचे गिर सकते हैं। नहीं, बगल के कमरे में टेबल टेनिस खेल रहा है, कोई शरीफ आदमी वहां सांस भी नहीं ले सकता। नहीं, अंधे हो गए, वो देख कर नहीं चलते, सारा मूड ऑफ करके रख दिया। चलो बाहर में चल के दारू पीते हैं। हाँ चलो, बाहर में चलो, मैं बाहर। ये लो यार, यहाँ को नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन कल बहुत ज्यादा हो गई थी। चलो चलो भाई। क्या जमाना आ गया है, क्लब है या क्या है, लड़के यहाँ कस्टल लिए घूमते हैं। कौन था ये? उत्तम त्रिवेदी, जेके त्रिवेदी का बेटा। समझा, तभी आइए सना साहब, आइए। अभी यही कुछ सुना है, देखो चाचा जी, चाचा जी। हाँ मिलिए, ये है आर एन अस्थाना, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और आप हैं। एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने देखा है आपको। आप मिस्टर शमशेर बहादुर सिंह? वाह, और आप जनाब अख्तर बेग, देखिए ना, आपने कैसे पहचाना? अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं आपका मेजबान हूँ और पहचानूंगा नहीं आपको। लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। नाम तो, मगर चेहरा। अरे अख्तर साहब, मैं सचिन का छोटा भाई हूँ। क्रिकेट खेलते थे? जी हाँ। अप्पू? अरे वाह, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। आइए आइए त्रिवेदी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू विथ अस। खुशी की बात तो मेरे लिए है, वरना वक्त ही कहाँ मिलता है दिल्ली से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अवधेश, कैसे हो? बस ठीक हो। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते त्रिवेदी। नमस्कार मिस्टर प्रधान, आपके काम के लिए भाई जी से कह दिया है मैंने। बाबूजी मैं कार ले जाऊं? हां ले जाओ। नमस्कार। 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 आप जी? ये मेरे चाचा जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, स्वर्गीय राय बहादुर अजीत प्रताप सिंह के। अरे हाँ हाँ, बड़ा नाम था आपके पिताजी का कभी। जी हाँ, लेकिन कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला भाई जी, और मैं तो इलाहाबाद में थे उस वक्त। इलाहाबाद? पुरानी बात है, तुम नहीं समझोगे, लेकिन पिताजी आपके फादर के साथ अक्सर टेनिस खेला करते थे। हाँ, एक जमाना बीत गया। सो तो है। अवधेश, इन्हें घर लेके आना कब? जरूर आइएगा आप। जी जरूर, मैं भाई जी को बताऊंगा कि आप आजकल आए हुए हैं। जरूर बताइएगा। और अस्थाना जी मजे में है? जी हम बस, कृपा है आपकी। सर वो गार्डन में टेबल लग गई है, उधर ही चलें। हाँ जरूर आइए सर। दिल्ली से कब आए सर? कल शाम भाई जी का फोन आया था। बैठिए सर। बहुत परेशान थे वो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ की सिचुएशन कैसी है? हमारे तो पूरी कोशिश है। लेकिन आपकी पूरी कोशिश काफी नहीं लगती इन हालात में। इट सीम्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सुना है ऑपोजिशन प्रदेश बंद का नारा देने वाला है। जी हमें भी खबर मिली है, और हमने इंस्ट्रक्शंस के लिए सीएम को नोट भी भेज दिया है। भाई जी तो खुद परेशान हैं। गुंडों ने आज मेरी फैक्ट्री के मजदूरों को भड़काया है, कल किसी और को भड़काएंगे। इन हालात में प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ती है, इस बात का एहसास है आप लोगों को? दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड सर। द सिचुएशन विल बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल वेरी सून। मुझे तो नहीं लगता। इधर यूनिवर्सिटी का पता नहीं क्या हो रहा है। इन साहब आप ही बताइए जी,
हम भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन आजकल के ये स्टूडेंट्स ऐसा कब तक चल सकता? अस्थाना साहब, यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर बॉयज। जी हाँ जी, प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये ऑपोजिशन की बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, क्योंकि उत्तम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब का भतीजा भी है। लो, ये यहां बैठे हैं। सारा क्लब छान मारा तुम्हारे लिए, कहां चले गए थे? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? यही तो थे हम। मुरली वहां था, शमशेर उस पेड़ के पीछे खड़ा था, श्रीकांत और मैं वहां थे। बकवास मत करो, कमिश्नर उधर से निकला था। ठीक 9:30 बजे। पिछले 10 दिनों से हर रोज वो इसी वक्त पर क्लब से अपने घर के लिए निकलता है। मतलब तकरीबन 9:45 बजे वो अंधेरे रास्ते से गुजरेगा। सिर्फ 4 दिन इस साले के पास। याद आया, रोहित को देखा? अभी तो यहीं था उधर। ए दिनू, उस लड़के रोहित को देखा? लाइब्रेरी में। चलो जाओ, तुम लोग जाकर जल्दी देखो। माफ कीजिएगा अस्थाना साहब, हम लोग बस यूं ही बगैर इतला दिए चले आए। हमने कहा सविता से, बड़े पुराने दोस्त हैं अस्थाना साहब, चलो तुम्हारी मुलाकात करवा दें। ये आपका इंटरव्यू लेंगी? जी हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो रोहित। बचा लीजिए सर, वो लोग मुझे मार देना चाहते हैं। कौन लोग बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक से बैठ जाओ, बताओ क्या हुआ। क्या तारीख? मैं टेलीफोन कर सकता हूं? हाँ क्यों नहीं।
बॉयज हॉस्टल किसी को बुला दीजिए प्लीज, कोई भी लड़का है वहां पे, किसी को भी बुला दीजिए, मैं रोहित बोल रहा हूं, किसी को बुला दीजिए ना। कौन आलोक? आलोक मैं रोहित बोल रहा हूं, वो लोग आए थे मुझे मारने के लिए, नहीं मैं नहीं, चोट नहीं लगी मुझे, मैं यहां सेफ हूं, पीसी साहब के कमरे में, तुम लोग हाँ ठीक है मैं, हाँ तुम लोग आ जाओ तभी बाहर निकलूंगा। To your style. क्या बात है बेटा? सर उत्तम और उसके साथी मुझे मारने के लिए आए थे वहां लाइब्रेरी में, मैं अकेला था दिन दहाड़े। बेकार की बात है, ऐसा नहीं कर सकते वो, ऐसा नहीं कर सकते, लाखन की बात भूल गए आप, वो तो गुंडागर्दी की राजनीति किया करता था, और फिर एनीवे पुलिस तो इंक्वायरी करेगी ना। बेटा तुम इन सब पचड़ों में क्यों पड़ गए? तुम तो अच्छे स्टूडेंट थे ना, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि दुनिया भर के शमेलों में या इस राजनीति में आप लोगों से पूछो, इन लोगों ने खुद, मैं कोई शमेला नहीं कर रहा हूं सर, मैंने देखा है लाखन को किसने मारा, मैं जानता हूं लाखन के कातिल को, मुझे मालूम है किसके साथ वो चीप में बैठकर भागा। आप क्या चाहते हैं मुझे, मैं मुंशी हूं, कह दूंगा मैं अंधा, मैंने नहीं देखा कि लाखन गेंद को किसने निकाला है, मैं ये धोखा नहीं कर सकता सर। तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है ना, इन सब बातों को भूल जाओ बेटा, तुम्हें भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, एकेडेमिक्स पर। एकेडेमिक्स? व्हाट ब्लडी एकेडेमिक्स आर यू टॉकिंग अबाउट वीसी साहब? कहां है एकेडेमिक्स हमारी यूनिवर्सिटी में? स्टूडेंट्स में है, टीचर्स में है? हाई माई फुट, कौन करता है अपॉइंटमेंट आपके यहां के टीचर्स के, उनका एक्सपीरियंस या आपके यहां के शहर के नेता? पिछले दो साल में 5 सुसाइड्स हुई, क्यों? हेलो, जी हां, जी हां तिवारी साहब, जी हां सब तैयारियां हो रही हैं, जी साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो करना ही है ना, जी हाँ जी सर, नमस्कार। या तो कितनी बार कहा कि अकेले मार बच जाए करो, अगली बार कहते हो यार, क्या अरे बात, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं लगी, अब लाइब्रेरी भी तुम लोगों से पूछ के जाऊंगा मैं। किसी साहब किसी ना किसी को स्टूडेंट पे हमला होता है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप सुने तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आराम से, देखिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आज की इस घटना की इंक्वायरी करवाऊंगा, अब आप लोग प्लीज वापस आइए। अरे कैसे जाए वापस, मारना है क्या हम लोगों को? देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, हमें इंक्वायरी का नाटक नहीं चाहिए, आप फौरन उन लड़कों को सस्पेंड कराइए, समझे आप? सस्पेंड नहीं, रेस्पेक्ट करवाइए उन गुंडों को। मैं वादा करता हूँ, बस आप यूनिवर्सिटी का गोल्डन जुबली फंक्शन शांति से गुजर जाने दीजिए, इसके फौरन बाद मैं इस हादसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आप देखिए मेरी बात, इसकी बात हर बार ये यही काम करते हैं। अच्छा चुप रहो यार, बोल चुका, कोई बाहर नहीं चलेगा, क्या कह रहा है तू? बिना किसी के एश्योरेंस के हम खुद यहां से नहीं जाएंगे। आप लोगों ने सुना जब वाइस चांसलर साहब खुद कह रहे हैं कि वे इसकी जांच कराएंगे, तो आप लोग क्यों यहां गिरना चाहते हैं? अबे त्रिवेदी का चमचा है रजिस्ट्रार। चुप रहो यार, जरा बात तो सुन लो। मैं आप लोगों से बड़ा होने के नाते, आपका टीचर होने के नाते आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गवर्नर साहब खुद आ रहे हैं फंक्शन में, एक बार गोल्डन जुबली हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों की सभी मांगे मान लूंगा। गोल्डन जुबली क्या कहते हो? बिल्कुल सर,
हम लोग आपस में कुछ बात करना चाहते हैं, फिर आते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं यार, कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। यार तुम हर बार उनकी बात मान लेते हो, इसी से तुम्हारी कमजोरी का पता चलता है। चुप कर यार। लेकिन रोहित इस बार जरा भी टालमटोल की गई तो हमें कुछ करना होगा। हाँ यार देखो, तुम मुझे इस बात की गारंटी दे दो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा, फिर मुझसे मत कहना तुम कुछ। ठीक है चलो चलो। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी को हम एक मौका और देते हैं, लेकिन हम सिर्फ चार दिन चुप रहेंगे, गोल्डन चुपली तक। हाँ सर, उसके बाद भी अगर गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर। हाँ हाँ बेटा, एक्शन जरूर लिया जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। From the Berbers, the word barbarian was born. झूठ बोलते हैं आप। बर्बर कोई जल्लाद नहीं थे, उनमें आप अंग्रेजों से ज्यादा तहजीब थी। एक दिन तो इंडियन का मतलब भी यही बना लगा। I am teaching you history, my boy, not fiction. भाओ यार तुम्हारे इतिहास। हाँ। आई थे ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वायज पर इतना जानते हैं, कल हो जाता था के हम निकले, पर इतना जानते हैं, कल हो जाता था के हम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्या बात है। अरे आप तो इन्हें जानते ही है ना रोहित, अभी मिले थे। हाँ उस वक्त ये कुछ ज्यादा परेशान थे जी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। हम लोग एक्चुअली साथ साथ बॉम्बे से ट्रेन में आए थे। अच्छा। हेलो, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह। हेलो। हेलो, वेलकम बैक होम सर। हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं अंकल, आप लोग भी चलिए ना, रोहित मुझे इस फैक्ट्री वाले केस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा था। ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत बना दी है जगह। जी आपके जमाने में तो शायद ये सब जंगल रहा होगा। बस यही जंगल का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया, यहां वैसे कंस्ट्रक्शन होने वाला था, बच गई ये जगह। आइए चलिए, यहां से हॉस्टल के लिए शॉर्टकट है, यहीं से निकल चलते हैं। नहीं नहीं, इधर चलते हैं सीधे रास्ते सड़क से, वैसे भी ये जगह हमारी देखी हुई है। चलें। कुछ भी नहीं बदला, कुछ धोखा क्यों पड़ा हुआ है, खराब कर दिया भाई। तुम देखो ये देखो, 40 साल पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। मैं अभी यहाँ से वहां तक का मौसम ने पोत दिया। हाँ ऐसा तो होता ही है। Dynamic and distinguished gold shirts of great name in fashion. अच्छा रंजन, ये तुम भी इसी ग्रुप के हो? ये नहीं, मैं किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हूँ। अच्छा रोहित, तुम मुझे ये बताओ कि लाखन को क्यों मारा गया?
क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। क्या जानता था? वो उन मजदूरों के बारे में जानता था, उनकी मौत के बारे में, जो त्रिवेदी एंड त्रिवेदी के कारखाने में काम करते थे। उसे मालूम था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन लोगों को बॉयलर में झोंक दिया गया था। लेकिन लाखन उन मजदूरों के बारे में कैसे जानता था? लाखन भी उन्हीं में से एक था। उसके फादर उसी कारखाने में काम करते थे। अभी भी उसके काफी रिश्तेदार और गांव के लोग वहां काम करते हैं। उन्हीं के जरिए उसे यह सब पता चला था। आइए आइए। आइए बैठे ना प्लीज। माफ कीजिएगा, ये कमरा कुछ ऐसे ही गंदा है, बैठिए ना। अरे ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है। सॉरी रोहित, मैं तुमसे कुछ और सवाल करूंगी। असल में हुआ क्या था, मुझे सारे फैक्ट्स बता सकते हो? मजदूरों की यूनियन हड़ताल की तैयारी कर रही थी, उन्होंने 5 मजदूरों को उठाया और झोंक दिया भट्टी में। ऐसे हड़ताल तोड़ने के लिए उन्होंने जिंदा इंसानों को आग में झोंक दिया? जी। इत्तेफाकन में मजदूरों की बस्ती में उस दिन लाखन के साथ गया था। आप लोग देखते किस तरह डर से पुते हुए थे उनके चेहरे। तो उन्होंने लाखन को मार डाला ताकि वो उनका भांडा ना फोड़ सके, राइट? और तुमने लाखन का कत्ल होते हुए देखा? कौन है लाखन? लोग कहते हैं कि मैं कह दूं कि मैंने कुछ नहीं देखा, कैसे कह दूं मैं? उतार! मैं चुप रहा तो कितना बड़ा धोखा होगा ये। मैं चुप तो नहीं रहूंगा। जिंदगी हाथों से निकल जाती है, तब जाकर ख्याल आता है कि हम तो कुछ और ही करने चले थे। रोहित भाई, आपको मेस में बुलाया है। तू सुना कोई है अखिलेश यार, प्लीज यार तू वहां बैठ जा, जरा मेरे कुछ मेहमान आए हैं। प्लीज आई आई प्लीज। आप लोग बैठिए यहाँ पर, जरा मुझे। हाँ, हमारी फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो बेटे। रोहित, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। हाँ शॉप, मैं भी आई। अभी तुम लोगों की मीटिंग तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, कोई मीटिंग मीटिंग नहीं है, ऐसे बैठते हैं बस। तुम ये सविता हैं, जर्नलिस्ट हैं, बंबई से हैं। लीजिए खाना। नहीं थैंक यू। अरे हमारे हॉस्टल का खाना है। क्या डाल लेना भाई, डाल दो। बस सॉल्ट देना यार। मैं लोगों को ये बता रहा था कि इस मीटिंग मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। हमारा यार तुम फिर शुरू हो गए यार। क्या शुरू हो गया यार, तुम लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। क्या फायदा होगा? देखो वीसी को कौन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मालूम है कौन कंट्रोल कर रहा है, बेकार की बातें करते रहते हैं। मैं एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। एक एक करके एक्शन करते हो तुम। लाइट गो। देखो यार, मुझे लगता है कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से पहले हमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों रंजन? कल रात को हम लोग एक जुलूस निकालेंगे मशालों के साथ, जो कि हॉस्टल से शुरू होगा। लेकिन यार कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक 9:30 बजे सिम्पसन की कार क्लब से बाहर निकलेगी।
तकरीबन 9:45 बजे वो इस सुनसान खंडर वाले इलाके में पहुंचेगा। शमशेर तुम और मुरली तुम और अख्तर तुम भी, तुम तीनों उस झाड़ी के पास रहोगे और मैं सड़क के उस पार डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की कार का इंतजार करूंगा। क्यों इसमें रोहित और उसके साथी कुछ दिनों में समझ जाएंगे जिंदगी क्या होती है। लौंडे साले, हम लोग भी तो बिल्कुल इन्हीं की तरह थे। इल्जाम क्या है? मुलजिम ने जिंदगी भर भोले भाले लड़कों के दिमाग झूठ से गंदे किए। इसकी कथनी और करनी में कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। हमेशा दूसरों को उनकी जिम्मेदारियां समझाता रहा और खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। भागता रहा कमीना। गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। गिल्टी गिल्टी। हरी बाम अख्तर साहब, वो आपकी चचेरी बहन थी, इस वक्त उनका क्या हुआ? पता नहीं भाई। और जोशी, तुम अभी तक कुमार ही हो ना? अरे भाई, इसे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और आपने क्या किया? कुछ नहीं, सारा वक्त बस टायर पे टायर बेचता रहा। चलो अच्छा है भाई, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो फिर टायर बेचने में क्या हर्जा है? दिमाग बेचने से तो बेहतर ही है। आप प्रोफेसर नरीमन से मिले? नरीमन? प्रोफेसर नरीमन? अरे भाई, हमारे जमाने में भी एक प्रोफेसर नरीमन हुआ करते थे, कहीं उन्हीं के रिश्तेदार तो नहीं? अरे वही तो है। आइए मैं मिलवाता हूँ, अंदर चलिए, आप ड्राइंग रूम में है। जी हाँ, गुस्से में हमेशा अंग्रेजी में बोलते थे और मारे डर के हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। सर, योर स्टूडेंट सर, शमशेर बहादुर सिंह, मुरली मनोहर जोशी, मैं अख्तर बेग। इफ आई रिमेंबर राइट, you were in history class with that boy called Shrikant. Ji haan. The boy who was killed by the British. Meri sab aaya bhai, are kursi rakho na andar jaldi. Ha chalo. Acha sir, run. You also run, boys. That is what everybody is doing. अरे भाई अस्थाना, तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से आज इतने सारे महानुभावों से मुलाकात हो गई। सिंह तिवारी जी, नमस्कार। सिंह साहब, भाई वो अवधेश बता रहा था कि आप तो पूरी टीम लेकर आए हुए हैं मुंबई से। ओ जी हाँ, मेरे दोस्तों से मिलिए, आप हैं अख्तर बेग और आप मुरली मनोहर जोशी। भाई मैं और भाई जी तो इलाहाबाद में थे, लेकिन आज अस्थाना साहब की बदौलत आप सब राजनगर यूनिवर्सिटी वालों से मुलाकात हो गई, सौभाग्य की बात है। आइए। नमस्कार साहब। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, कमाल कर दिया आपने। एक बार फिर यूं हुआ कि भाई साहब आए हुए थे। अरे अवधेश, कैसे हो? एक मिनट, आइए। क्या बात है? क्या हुआ? वो
गांधीनगर के पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आपस में कुछ मारपीट हो गई है सर। कौन थे वो लोग? उत्तम भी इसमें इन्वॉल्व था सर। कुछ लड़के घायल हो गए और घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय वे सीधे यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन मौका तो बिल्कुल सही चुना है उन्होंने। मैंने आपसे कहा था ना, लड़के ऑपोजिशन के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। आज वीसी के यहाँ पार्टी है, चार शरीफ लोग आए हुए होंगे, पहुंच जाओ चोट वोट लगाकर। What happened my boy? रोहित तुम बिल्कुल चुप रहो। मुझे अभी अभी खबर मिली कि कुछ मारपीट हुई तुम लोगों। अरे अरे अरे, बहुत चोट लगी है ये तो। वीसी साहब, आपने हमसे तो रुक जाने के लिए कह दिया, अपने भतीजे उत्तम से भी कह दिया। हम अभी रुकेंगे वीसी साहब, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो जाते। हम तो सिर्फ इन लड़कों को आपको दिखाने के लिए लाए। देखिए देखिए देखिए, हम आपसे इन बेचारों को अस्पताल नहीं पहुंचा रहे। हॉस्पिटल, अरे लड़के मर रहे हैं और आपको एजिटेशन की पड़ी है। चलिए चलिए, इन्हें अस्पताल भेजिए, मैं अपनी गाड़ी देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो और इन लोगों को सिविल अस्पताल लेकर जाओ फौरन। एसपी साहब, आप भी अपनी ये सर। कुछ लोग घायलों के साथ जाओ और आप में से तीन चार लोग अंदर आइए और हमें बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। देखिए देखिए, अगर आप लोग सिर्फ नारा लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो बाहर खड़े हो जाइए और चिल्लाते रहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सचमुच कुछ बात हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। तुम तीन चार लोगों को लेकर अंदर आओ। तुम लोग अंदर जाओ, मैं अस्पताल पहुंच रहा के दरवाजे पर कुछ लोगों को खड़ा कर देना। जी। हमारे विश्वविद्यालय के लिए का दिन है, क्योंकि आज श्री राज्यपाल महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। हमें गर्व है कि आज हमारे नगर के संसद में प्रतिनिधि श्री जे के त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री तिवारी जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसा मौका एक विश्वविद्यालय के इतिहास में बड़े सौभाग्य से आता है कि हमें मैं अपने सभी अतिथियों का विशेषकर हमारे राज्यपाल महोदय त्रिवेदी जी और शिक्षा मंत्री जी का
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह में आकर हमें धन्य धन्य कर दिया। अब मैं गवर्नर महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर दो शब्द कहें। क्या कर रहे हैं आप ये? हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट लेंगे आपका। हम लोग आपका सिर्फ थोड़ा सा समय लेंगे। गवर्नर साहब, हालांकि आज के प्रोग्राम की लिस्ट में मेरा यहाँ आना शामिल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बातें कहनी है जो बहुत जरूरी हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। चार दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट लाखन को कत्ल कर दिया गया मेरे सामने। मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को मालूम है कि कत्ल किसने किया है। सर, हमने वीसी साहब से यूनिवर्सिटी में हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी। उन्होंने हमसे आज तक की मोहलत मांगी थी। आज सेंटिनरी सेलिब्रेशन का जलसा भी हुआ जा रहा है, अब तो अथॉरिटीज के पास। सर, ये वही लड़का है जिसने यूनिवर्सिटी में सारी गड़बड़ की। अगर इसके फौरन बाद कुछ नहीं किया गया तो हम स्टूडेंट्स को ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह के गुंडागर्दी के माहौल में ना तो कोई यहां आजादी से सोच सकता है ना रह सकता है। बस मुझे इतना कहना। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। मैं गवर्नर साहब से माफी चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आकर दो शब्द कहें। आइए गवर्नर साहब। इस साले को आज ही ठीक ना है, आज रात, और उसके लिए मना कर मैं बाप के अम्मा के पास। इस चपड़ कनाती को आज ही चपेटना है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम ये सब करेंगे। बताया कि विश्वविद्यालय विद्या का मंदिर है, विद्या का तीर्थ स्थान, मगर मैं उनकी बात से सहमत नहीं। यार मैं कहता हूं कि इस नए भारत में तीर्थ मंदिर नहीं, कारखाने होंगे। मैं तो कहता हूं कि विश्वविद्यालय भी एक कारखाना है। आता हूं है। मैं समझता हूं कि भारत की नई पीढ़ी की भलाई होती है। क्या हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो नया नौजवान तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा दिमाग डालें कि भारत की सभ्यता, भारत की गरिमा, भारत कुछ ना कुछ स्थान रहे। और आखिर आ ही गया। 1942 में जब हम विद्यार्थी थे तब हमारे कुछ आदर्श थे, हम कुछ कर दिखाना चाहते थे और हमने कर पहचाना नहीं मुझे जी? मैं हूं इस्मत, इस्मत मिर्जा। माफ कीजिए, आपसे भूल हो गई, आप किसी और को ढूंढ रही हैं। मैं वो नहीं हूं, वो कोई 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 और होगा। वो राजनगर विश्वविद्यालय के वेलफेयर होने के नाते मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उसे क्या कह उन्होंने कौन है हम? इस्मत, यही है वो बकवास। हमारे शुभ अवसर को
मुझे देखा है पहचानने के लिए। चलो यहाँ से जल्दी, वो यहीं आ रही है। कथक का नृत्य होगा, उसके पश्चात संगीत का। हाँ चलिए हम चलते हैं। मुरली, अरे अख्तर, शमशेर, तुम लोग, तुम सबके सब यहाँ। मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, आना नहीं मुझे। शमशेर, मुरली, मैं हूँ इस्मत, इस्मत। आ चल के तुझे मैं ले के एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार भले। एक ऐसे गगन के तले। यार बोतल खत्म हो गई। बस बस, एक एक पैकेट प्लीज। प्रॉमिस प्रॉमिस यार। चल यार रोहित, तू भी चलना। तुम लोग रूम में बैठा हूँ यार। हम हो क्या है यार, बस हाफ एन आवर में। तू मेरा नाम तो आएगा साला यहां पर सोने के लिए। नहीं वही हो वो, तुमने बत्ती क्यों जला दी? आखिर कब तक बचोगे? ये शायद कल ही निकल जाने का इरादा है। ऐसे तुम ठीक ही रहे हो। उससे मिले बगैर चाबी तो नहीं सकते हम। चली
रखी हो? मैं सोच रही थी क्या हो गया है तुम लोगों को। फटके आ गए हैं हम लोग क्यों? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, 40 साल बाद तुम लोगों से मिलती हूँ और तुम लोग कहाँ थे तुम लोग इतने दिन? शाम हाँ जरा बाहर जाकर देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा कहीं और सो गया हूं और हम यहां पड़े सड़ते रहे। क्या हुआ यार? रोहित तो ऊपर ही था ना, हो सकता है आ गया वो। हाँ जरा कमरा खोल के चेक करो। आ गया वो देखो। तुझे मार दिया था रोहित, बुलाओ इसी को, फोन करो उसको। अब अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम सालों को छोड़ेंगे नहीं। अब देखे साला त्रिवेदी भी क्या करता है। अब अरे भाई नीचे आ, हम लोग तुम दोनों की शादी शादी नहीं, निकाह निकाह निकाह। मैं उस जमाने को बिल्कुल भूल ही गई थी, आज तुम मिले तो सब आंखों के सामने घूम सा गया। सब कुछ क्या बात है अख्तर, उदास क्यों हो गए? अख्तर भी बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसा है अभी भी। जरा सा मौका मिला नहीं कि बस डूब लिया गम के समंदर में। अमा छोड़ो अख्तर, हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब हम जवान थे। और क्या आग थी, वो सब कहाँ चला गया अख्तर, कहाँ खो गया? मुझे मत मारो, मैंने लखन को नहीं मारा, शाम ने लखन को मारा। देखो कदम मुझे छोड़ दो, अरे लखन को नहीं मारा, शाम ने मारा है। नहीं मैंने नहीं मारा, उत्तम ने मुझसे बोला था, त्रिवेदी साहब ने मुझे रुपए दिए। नहीं मुझसे दख सब मत करो, त्रिवेदी साहब मुझे मार डालेंगे। ये लीजिए अपना परमिशन लेटर एसपी साहब, अब लेकर जाइए पुलिस फोर्स को कैंपस के अंदर और छुड़ा कर लाइए मेरे लड़के को। वैसे उसको वहां जाने की जरूरत नहीं थी सर। वो गया नहीं वहां, उसे उठा लिया गया है। लोफर भरे पड़े हैं दुनिया भर के, ब्लैकमेल करना चाहते हैं सबको और आप लोग उनकी मांगे पूरी करने जा रहे हैं। आप फिक्र न करें सर, हम आपके बेटे को जरूर छुड़ा कर लाएंगे। वैसे तो हमें चाहिए ये कि उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दें। क्या? मैं इस्तीफा दे रहा हूं मिस्टर त्रिवेदी, बहुत कुछ देख लिया है मैंने अपनी इस जिंदगी में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता इस बेवकूफी में। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, लड़के की मैयत का? Thank you.
पुलिस वाले क्या रहे हो? तो सलीम जल्दी करो, भागो, दौड़ो, चले जाओ, चलो, क्या वाला खुला है? सारा बीसी हम लोगों से मिलने के बजाय पुलिस भेज रहा है, सारे रास्ते बंद कर दो, किसी को घुसने नहीं देंगे आज। देखते हैं कौन माइकल लाल अंदर आता है। अबे सुधीर जरा देखना, उत्तम कोई भागने जाए। चलो ये हम ललित हम लोग क्या कर रहे हैं यार? ये ए रंजन, रंजन मेरी बात, रंजन रुक तो सही यार, एक सेकंड रंजन सुन मेरी बात। क्या बात है? देख वो लोग हमें फंसाना चाहते हैं, देख हमारे पास हथियार नहीं है यार, वो लोग ट्रेंड है यार, उनके पास हथियार है यार। तू सब कर, मेरी यूनिवर्सिटी में कोई घुसा था मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रोहित, समझे? तुम साले किराए के टट्टू अंदर घुसेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे उनके। अरे यार यही तो वो लोग चाहते हैं यार, हम लोग फंस जाएंगे यार, हम लोग मर जाएंगे यार, तू मुझे छोड़ दे, हट जा। अरे समझने की कोशिश कर यार, क्या अच्छा रंजन, रंजन समझने की कोशिश कर रहा था। सलीम सुनिए, अपने ये रहे काम आएगी। जी सर। यादव तुम एक और बटालियन लेकर पीछे पहुंच जाओ, समझे? यस सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो, नाउ मूव। देखिए एक बार मुझे अपनी सुरीर से बात तो कर लेने दीजिए, आप अभी हमला मत शुरू कीजिए, मैं एक बार अपनी सुरीर से बात करना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट से कहिए कि चुपचाप बाहर निकल आए, हमारी बहुत सी वैसे आपकी बात मानेंगे अस्थाना साहब। मैं कोशिश करता हूँ शायद। हाँ कीजिए, हमें भी खून खराबा कहाँ अच्छा लगता है। पुलिस पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ। 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 कम ऑन जनरल, पीछे 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 आ रहा। चलिए चलिए आप अंदर चलिए, आप इसके आगे नहीं जा सकते। अरे भाई साहब कमाल कर रहे हैं आप, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये देखिए मेरा कार्ड। अरे जर्नलिस्ट हो या तो हो, मैंने कहा ना पीछे जाओ। देखिए चार, अरे सुनिए, खुद आने के बजाय पुलिस को यूनिवर्सिटी में भेजता है। बताएगा इनको, मुझे बात करने, बात करें साहब, पुलिस को यहाँ मत भेजिएगा, यहाँ बहुत खून खराबा हो जाएगा, हम स्टूडेंट बताए इनको। मैं आपसे, आपका टीचर होने के नाते, आपका गार्जियन होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग शांति से बाहर आ जाइए। पुलिस को वापस भेजो, फिर बात करेंगे तुमसे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्लीज आप बस शांति से बाहर आ जाइए, ये मेरी आप लोगों से अपील है। आपको आपने अपनी कोशिश कर ली विसी साहब, अब हमें हमारी तरफ से कोशिश करने दीजिए। बलवाइयों, तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून करार दिया गया है, भाग जाओ वरना तुम पर लाठी चार्ज होगा, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। लाठी चार्ज। Thank you.
sanitary napkins. Times are changing now and so is she. भैया बाबू आइए, गाड़ी नीचे तैयार करिए, आइए। उस लड़के की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं ले सकते विसी साहब, भगवान ही बचाए जब मेरे आदमी उसे पकड़ेंगे। उसने पुलिस वाले को मार दिया? हाँ, यहां छुरा भोंक दिया उसने। लेकिन रोहित, हम भी लड़े थे आजादी के लिए, इंसाफ के लिए, एक मकसद के लिए, लेकिन आज करके लड़के ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो हमने चारों ओर खबर फैला रखी है, और अगर किसी ने पनाह देने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा हराम ज्यादा एक दो दिन में। अच्छा चाचा जी, मैं निकलता हूं। और हां, आप होशियार रहिएगा, ये खिड़की और दरवाजे बंद रखिए, और अगर हो सके तो बाहर मत निकलिएगा, मेरे आदमी बहुत ही खतरनाक मूड में है आज। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं। अच्छा बेटे, बाय। अच्छा है बेटे। अवधेश, टेक केयर। हेलो उत्तम, लकीली आपकी जीप दिखाई देगी एसपी साहब। वो देखा हरामी कहीं का? नहीं, लेकिन उससे निपटना हमारा काम है। जाओ तुम लोग जाकर आराम करो। अरे आराम तो हम कर लेंगे, पहले इससे तो देख लें।
यहीं कहीं छिपा होगा इसकी मां का। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी रोको। कैसी हैं आप मिस सविता शेरगिल? ओ, बहुत सीरियस लग रही हैं। सेन बाबू इनसे कहिएगा कि इनका कैमरा हमारे पुलिस स्टेशन में पड़ा है, कभी भी आकर कलेक्ट कर लें। जी। और कल की फ्रंट न्यूज क्या है? पुलिस ब्रूटालिटी इन राजनगर। हाँ। चलो। आयुष, तुम आज होटल में नहीं रुकना चाहती? नहीं चंदर, मेरे ख्याल से मैं आज रात को यहीं रुकूंगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छा देन, गुड नाइट, कल मिलेंगे। ओके। सविता, रोहित, 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 रोहित। सर, मैंने किसी को नहीं मारा, वो त्रिवेदी का आदमी था, मुझे छोड़ मत देना प्लीज। वो तो इस घर में भी नहीं है, लेकिन उस दुकानदार ने कहा था कि वो यहीं कहीं है, तो फिर गया घर सारा। चलो पगल वाले घर में देखते हैं। अकेली तुम कहां घूम रही थी? चलो अंदर, जानती नहीं बाहर कितना खतरा है, है? अंकल, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात पूछनी है। मैं अच्छा ठीक है, पहले अंदर तो चलो। चलो। अरे सविता, आओ। बहुत अच्छे वक्त पे आई हो, हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त आई है, इस्मत मिर्जा, आओ तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। क्या हुआ? अंकल मुझे याद आ गया कि मुझे कुछ अचानक काम करना है, मैं होटल जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? मुरली, शमशेर, जल्दी। क्या हुआ? क्या बात है? उधर। अरे ये तो रोहित है, रोहित। अवधेज इसी लड़के को तो ढूंढ रहा था, इसी ने मारा है पुलिस वाले को। हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। हाँ। ऐसा मत कीजिए, किसी को इन्फॉर्म मत कीजिए, मैं ही रोहित को यहाँ लेके आई हूँ। हाँ सुनिए, रोहित ने किसी का खून नहीं किया है। इसके खिलाफ वारंट पुलिस को तो नहीं। प्लीज अंकल, पुलिस को मत इन्फॉर्म कीजिए। तो फिर ले जाओ उसे यहाँ से, उन्हें किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ है। इसकी हालत तो देखिए। प्लीज अंकल, ये बीमार है, बेहोश है, इसे चोट आई है, सिर्फ एक रात के लिए उसे रुक जाने दीजिए। अगर वो बाहर गया तो लोग इसे मार डालेंगे। इम्पॉसिबल, ले जाओ इसे यहाँ से, कहीं भी ले जाओ, लेकिन इसे यहाँ से ले जाओ। ठीक साहब, सिर्फ आज रात के लिए? बिल्कुल नहीं। इसे अंदर ले चलो। सविता, मैंने क्या कहा? इसे अंदर ले चलो।
इसे क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, हम सबको फंसवाओगे। ये मेरा घर है, तुमको ये आदमी पसंद नहीं तो तुम बाहर जा सकते हो। क्या नाम बता रहे? रोहित मेहता। रोहित मेहता, वैसे तो पकड़े के लिए कहे हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो सीधा ही गोली मार दे। अब चलो। ये भोजन खाकर जरूर किसी कष्ट, पांच सिस्टम वाला पाचक टॉनिक। सो गए दोनों, बेचारे थक गए थे। तुम दोनों उनसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे, बोलो? याद करो, कभी हम भी इन्हीं जैसे थे। हम लोग इन लफंगों की तरह नहीं थे, हमारी लड़ाई का कुछ मकसद था। हमारी लड़ाई थी गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ जो हम पर हुकूमत चलाती थी। हम लोग खामखा पुलिस वालों की जान नहीं लिया करते थे। क्यों, तुम लोग भी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की गाड़ी पर बम फेंकने गए थे। वैसे क्या हुआ था उस दिन? अरे छोड़ो, कोई और बात करें यार। जब भी मैं पूछती हूँ तुम बात को क्यों टाल देते हो, बताओ ना क्या हुआ था उस दिन। श्रीकांत मार दिया गया था और तुम तीनों तो बिल्कुल गायब हो गए थे, न जाने कहां। बताओ क्या हुआ था, बताओ ना क्या हुआ था उस दिन। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बताओ। तुम्हें याद होगा, हमारा प्लान था डीएम देगा तो हम उसकी गाड़ी पर बम फेंकेंगे। श्रीकांत कितना घबरा गया था उस रात, न जाने क्यों। हाँ, बाद में पुलिस आ गई और हम कुछ नहीं कर सके। श्रीकांत घबरा के भाग गया, अजीब बात है। तो पर क्या किया जाए, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। झूठ मत बोलो, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। तुम जानना चाहती हो सच बात क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं उस रात क्या हुआ था।
कांत नहीं भागा था। श्रीकांत नहीं भागा था असुरा। हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, हमने तो और भी बहुत कुछ किया था। बताओ शमशेर, हमने क्या किया था? उन्हें पता चल गया था कि हम भी उसमें शामिल थे। पुलिस चीफ ने हमें अपने घर बुलवाया। You boys were playing bloody heroes, weren't you? I ought to have you flogged. But since your fathers have served us so well, I am going to let you go on one condition. Shrikant jail se bhag gaya hai, use hamare hawale kar do. You will, won't you boys? Anna madari ki thi aur humko maafi mil gayi. की दो दिन बाद श्रीकांत आया हमसे मिलने, बाहर जगह भी मिलने की मैंने ही तय की थी, यूनिवर्सिटी के।
कैसे हो अवधेश? कैसे हैं चाचा जी आप? हाँ बेटे, और भाई पकड़ा गया वो क्या नाम है उसका वो लड़का? हाँ वो रोहित, पकड़ लेंगे। बिल्कुल भाई, जब पुलिस अच्छे खासे शरीफ लोगों को पकड़ लेती है तो भला क्या एक बदमाश को नहीं पकड़ पाएंगे क्या? अच्छा चाचा जी चलता हूँ मैं, अब बस आप लोगों को यूं ही देखने चला आया था। आपका क्या प्रोग्राम है वैसे? मैं सोच रहा था, सुनो तुम अपनी गाड़ी देख सकते हो आज हमें किसी वक्त? यूं ही जरा बस हम घूमना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, ऐसा करता हूँ मैं ऑफिस पहुँचते ही ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं ड्राइवर नहीं, हम लोग चला लेंगे। यूं ही जरा बस घूमना चाहते हैं हम लोग। मटर गाड़ी किधर जा रही है? अरे भाई ये SP अवधेश प्रताप सिंह की गाड़ी है, मैं उनका चाचा हूँ। माफ करना साहब, वो एक लड़का भागा है इसलिए चेकिंग का ऑर्डर है। बस छूटने ही वाली है, जल्दी करो। कविता, अरे बेटी पैसे ले लो। हाँ थैंक यू। चलो रोहित। चलो अच्छा है, अभी भी टाइम है बस के लिए। चलो। हाँ अंकल, 5 मिनट बाद हमारी बस है बड़ौदा के लिए। वहां से कोई ना कोई ट्रेन तो हमें मिली जाएगी, मुझे लगता है बंबई के लिए। आप लोग निकलिए। हाँ अंकल आप लोग निकलिए, वैसे भी हम लोगों के साथ आपको दिखना नहीं चाहिए। बंबई में मिलना। बंबई में। बेटी यहाँ से जाना जाना है। शुक्रिया बिग साहब। अच्छा अच्छा बाय बाय। बेटे अपना ख्याल रखना। अच्छा बाय बाय। बहुत निकले मेरे अरमान लेके दिल्ली कम निकले तारों पानी से ऐसी कम निकले। पता है कि वो इसी बस में है। हाँ गुरु, मैंने खुद उसे SP साहब की गाड़ी से उतरकर इसी बस में चढ़ते देखा था।
चाय पी क्या? को नहीं मारा सर। पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल के इल्जाम में भागे मुलजिम रोहित मेहता की लाश यहां से 50 किलोमीटर दूर एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पाई गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुलजिम ने गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पिछली बार और अब में क्या फर्क हुआ? हमारी सारी कोशिशों के बावजूद रोहित का मैंने किसी को नहीं मारा सर। कोशिश तो की,